नीमच बंद को लेकर एक और बड़ी तस्वीर जावद से निकल के आ रही है, जहां पर भी जावद बंद का असर दिख रहा है। नीमच बंद के साथ जावद बंद का भी असर दिख रहा है। यहां पर दुकानों पर शटरों पर ताले लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें नारायण सोमानी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जावद बंद की तस्वीरें, जहां पर भी बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। साथ ही यहां पर भी बंद का असर दिख रहा है, जिस तरीके से सर समाज ने आह्वान किया था कि नीमच बंद के साथ जिला बंद रखा जाए। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से जावद बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, साथ ही हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से स्थानीय लोगों का क्या कहना है जावद बंद पर। देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंदू बहन बेटियों को हाँ इसमत करना, उनकी इज्जत लूटना और हिंदू परिवार के मकानों को जलाना और उन्हें बेघर करना, ऐसे अमानवीय कृत्य बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर किए जा रहे हैं। इसके विरोध में आज नीमच जिले बंद के साथ जावद को भी बंद रखा गया है। इसमें सभी वर्ग, व्यापारी वर्ग, सामाजिक वर्ग एवं सभी संगठनों का इसमें भरपूर सहयोग है। और निश्चित मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से आह्वान करता हूं कि वो इसमें सीधा हस्तक्षेप कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर उनको दंडित करने की कार्रवाई बांग्लादेशी सरकार को आदेशित करे, जिससे हिंदू वहाँ सुरक्षित रह सके। मैं पुनः सभी देशवासियों का भी आभार करना चाहूँगा, सभी जावदवासियों का आभार करना चाहूँगा कि इस अमानवीय कृत्य के विरोध में आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? प्रदीप चोपड़ा, प्रांतीय अध्यक्ष, भारत विकास परिषद, मध्य भारत पश्चिम प्रांत।